आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी हैं, आप लोग किसी भी भर्ती से जुड़े हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले आप लोअर पीसीएस मेंस के लिए वेट कर रहे हैं, लोअर टू के रिजल्ट के लिए, मंडी परिषद, युवा कल्याण अधिकारी, AGTA ज्वाइनिंग या फिर केन सुपरवाइजर वाले। और आप लोगों को एक बात कह दूं कि देखिए, आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि केन सुपरवाइजर भर्ती के बारे में मैं कुछ नहीं बताती हूँ, तो केन सुपरवाइजर वालों से स्पेशली मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए हम लोग इस पे आगे बात करते हैं। तो केन सुपरवाइजर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जितनी भी भर्तियाँ हैं, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती से आप जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स हो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को कि क्या है और क्या है यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती के बारे में जब आप मेरे से पूछते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है देख के, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजर रही हूँ, देख रही हूँ, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई हूँ। और यूपी ट्रिपल एससी का जो रवैया है, उसके बाद तो मतलब क्या कहें, आप लोग लगातार बहुत सारे जो भर्ती से जुड़े हुए, जैसे कि लोअर टू वाले पूछते हैं कि लोअर टू का रिजल्ट बताइए, मंडी परिषद वाले अलग से कहते हैं, AGTA के अभ्यर्थी हो गए, केन सुपरवाइजर वाले हो गए, सब लगातार ही अपने अपने रिजल्ट्स के बारे में पूछते हैं। युवा कल्याण अधिकारी को भी फंसा के रखा हुआ है, हर चीज़ अटका हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में बुरे तरीके से। और आप लोग लगातार जब मेरे से पूछते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या रिप्लाई करूँ आपको, क्या बताऊँ कि मतलब क्या है यूपी ट्रिपल एससी की सच्चाई। देखिए, आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो सच्चाई है, रियलिटी है, उसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा हर जगह। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब सारे के सारे चैनल वाले डेली मीटिंग करा के डेली रिजल्ट देते हैं। अगर ये सारे जितने भी चैनल वाले हैं, अगर ये सच्चाई बताने लगे आपको, तो फिर कम से कम आप भ्रम में तो नहीं रहेंगे, आप डेली डेली वेट तो नहीं करेंगे। देखिए, सच्चाई बस यही है कि फिलहाल 15 मई तक तो किसी भी रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और 15 मई के बाद, अगर मैं आपको ये भी एकदम गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो सारी जितने भी अभी फिलहाल की भर्तियां हैं, जैसे कि युवा कल्याण अधिकारी, AGTA, कुछ दो तीन भर्तियां लोअर टू की बात करें तो मंडी परिषद, ये सारे रिजल्ट्स रेडी रखे हुए हैं आयोग में, तैयार है बिल्कुल ही। बट आयोग पता नहीं किस कारण से जो है इन सब को रिलीज नहीं कर रही, या फिर उनको हो सकता है कि इलेक्शन का वेट हो, या फिर क्या रीज़न है, ये किसी को नहीं नहीं पता। आयोग जो है बस और बस अपनी मनमानी पे है और कोई भी रिजल्ट जारी करने के मूड में ही नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। अगर आप AGTA की बात करें, हम लोग AGTA भर्ती से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद पर्सनली, मैं अपनी बात बताती हूँ, हम लोगों ने इतने सारे अभियान चलाए, हम लोगों ने पर्सनली लेटर भेजा CM, राज्यपाल, हर किसी को, सारे के सारे अभ्यर्थी जितने भी, हम लोगों ने हर तरह से हर सारी कोशिशें कर ली। हम लोगों को 15 अप्रैल तक का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बाकी भर्तियों की बात करें तो लोअर टू का रिजल्ट रेडी है, युवा कल्याण अधिकारी का भी सब कुछ रेडी हुआ है। और केन सुपरवाइजर भर्ती की बात करें, जो कि आप लोग का हमेशा कंप्लेन होता है कि केन सुपरवाइजर के बारे में आप कुछ नहीं बताती हैं, तो देखिए, केन सुपरवाइजर भर्ती जो है उससे रिलेटेड कोई ऐसी अपडेट नहीं होती है कि जो बताने लायक हो। आप लोग पूछते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, तो आपको सच्चाई बता दूं, केन सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग फिलहाल अभी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो CCC वाला जो भी चक्कर था, उसके बाद वहाँ पे केस वगैरह किया गया है, तो आयोग को तो ऐसे ही बहाना चाहिए, अब तो उनको बड़ा बड़ा बहाना मिल गया है। तो यहाँ पे अपडेट फिलहाल के लिए उनको भी कुछ नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, वो बस ऐसे ही इसको टाल के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उनको अगर ऊपर से आदेश मिल गया, या फिर जो भी इलेक्शन का टाइम हुआ, इनको लगेगा कि चलो ये क्लियर हो गया है, तो वो झट से आपके ज्वाइनिंग करा देंगे। तो केन सुपरवाइजर वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप लोगों को मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग लगातार आयोग पे ही दबाव बनाइए, अपनी भर्ती के बारे में आप लोग पूछिए लगातार, किसी भी जाके वहाँ पे, अगर अभी तो जाना पॉसिबल नहीं है कोरोना की वजह से, तो जो भी माध्यम हो आप लोग मेल कीजिए, आप लोग लेटर लिखिए आयोग को, आप लोग ये सब चीज़ें करके आयोग से जवाब मांगिए कि क्या चल रहा है। और बाकी भर्तियों वालों को भी मैं यही कहूँगी कि देखिए, सच्चाई यही है, आयोग कोई भी रिजल्ट देने के मूड में कभी नहीं होता। अगर आयोग चाहती तो अभी फिलहाल जो पिछले महीने जब से आयोग बंद पड़ा हुआ है, उससे पहले जो भी टाइम था, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जारी कर देती आयोग, जिस समय में आयोग लगातार नोटिस वगैरह जारी कर, बस टाइम पास, OTR भी उनका एक टाइम पास ही था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लोगों को फंसा दिया, हो गया,
पेट का नोटिफिकेशन आप देखिए इस मंथ क्या करते हैं, लाते हैं या नहीं लाते हैं। तो आयोग की कहे तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आप जितने भी भर्ती वाले हैं, मैं आप लोगों को बस और बस एक ही बात कहूँगी कि कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये 15 के बाद 20 को आपका रिजल्ट जारी कर देंगे या फिर 30 को कर देंगे। हर कोई तुक्का बस तुक्का ही लगाता है। तो मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगी, जो भी भर्ती से आप लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप सबकी एक एक के कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी भर्ती से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग आयोग से लगातार जवाब मांगिए। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, आयोग को लगातार हम लोग मेल कर रहे हैं, आयोग को लगातार ही हम लोग जहाँ तक हो सके जो भी इनसे जुड़े हुए हैं ऊपर जो भी अथॉरिटी है उनके पास हम लोग लेटर भेज रहे हैं। तो आप लोग भी यही काम कीजिए। अगर आप लोग UP SSC आयोग पे दबाव नहीं बनाएंगे तो आपका जो है सब कुछ इसी तरह टाला जाएगा, क्योंकि अभी जो है कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। एक तो हर चीज़ में कोरोना का बहाना है इनके पास कि कोरोना है इसलिए ये नहीं हो रहा, कोरोना है इसलिए वो नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा और खुद अपनी भर्ती के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम आराम से बैठे हुए हैं और सब कुछ चल रहा है, एक प्रोसेस से एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, उसका फॉर्म डाले आप और उसका एग्जाम हुआ, प्री हुआ, उसके बाद मेंस होगा, और बिना आपके कुछ किए हुए अगर चीज़ें हो जाती है ऐसा, तो आप बहुत बड़े वाले भ्रम में हैं। इनका काम था, इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, एक नोटिफिकेशन ले आए, उसके बाद फिर इनका क्या होता है कि चलो एग्जाम करा दिए, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है जो कि आपको करना होता है यहाँ पे UP SSC में, खास करके आपको बार बार धरना देना पड़ता है एक रिजल्ट के लिए। फिर जब रिजल्ट आ जाता है तो DB के लिए धरना देना होता है, जब DB हो जाता है तो फाइनल लिस्ट के लिए आपको धरना देना होता है। हर चीज़ यहाँ पे ना मतलब क्या कहें, बहुत ही उलझा हुआ टाइप से है। तो इसीलिए जितने भी UP SSC से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, अपनी अपनी भर्ती को लेके आप लोग जागरूक हो जाइए। देखिए अभी 10 दिन तो फिलहाल कोरोना वाला ही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 15 के बाद चीज़ें नॉर्मल होगी, 10 तक तो लॉकडाउन है, उसके बाद का जो ये है तो 15-20 के बाद आप लोग खुद से जागरूक होइए। अगर पेट का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जाता है तो आप लोग इसके लिए भी डिमांड कीजिए, आप लोग को आवाज़ उठाने की अब ज़रूरत है, क्योंकि पेट के नाम पर 2 साल पूरा का पूरा इन्होंने खींच लिया। नहीं तो 19 में कोई वैकेंसी आई, नहीं तो 20 में कोई वैकेंसी आई, बस और बस पेट के नाम पर सब कुछ खींचा गया। तो आप लोग पेट के नोटिफिकेशन के लिए भी, जो न्यू वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोगों को डिमांड करना चाहिए। रिजल्ट के लिए भी आप लोगों को खुद आगे आना होगा, और यही रियलिटी है। भले आप लोग को अगर मेरी बात बुरी, आप लोगों को बुरा लग रहा हो, आप लोग आइए वीडियो को डिसलाइक कीजिए और जाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो सच्चाई है बस आपको वही बताऊंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कल एक मीटिंग होगा, शाम को जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कह के बस और बस आपको भ्रम में डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग खुद अपनी भलाई के लिए उठेंगे और आयोग से अपने रिजल्ट की डिमांड करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।